राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं की सुरक्षा में पुलिस या अन्य सुरक्षा बल तैनात हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन किसी पेड़ को 24 घंटे सुरक्षा दी जाए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर की पहाड़ी पर एक ऐसा पेड़ है जिसे किसी VIP नेता की तरह सुरक्षा दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है उस पेड़ में, तो चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस पेड़ की सुरक्षा में पुलिस के 4 या 5 जवान तैनात हैं, जो 24 घंटे इसकी निगरानी करते हैं। इसके अलावा इसकी सिंचाई के लिए सांची नगर पालिका की ओर से अलग से एक पानी का टैंकर आता है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी भी पेड़ की जांच के लिए यहां पर हर हफ्ते आते हैं। माना जाता है कि इस पेड़ के रखरखाव के लिए हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। दरअसल ये एक पीपल का पेड़ है जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। साल 2012 में जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारत का दौरा किया, उसी दौरान उन्होंने ये पेड़ लगाया था। आपको बता दें कि ईसा से 531 वर्ष पहले बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इस वृक्ष का बेहद ही खास महत्व है। माना जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी देकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन्होंने वो बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरा में लगाया था, जो आज भी मौजूद है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, असल में वो पेड़ बिहार के गया जिले में है। इस पेड़ को कई बार नष्ट करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन ये चमत्कार ही था कि हर बार एक नया वृक्ष उग जाता था। इस खास पीपल के पेड़ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी कई दिलचस्प खबरें हर रात 9 बजे आपको यूं ही जानने को मिलेगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।